YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। विगत 3 दिनों से लापता डाल्टनगंज शहर की नावाटोली मोहल्ला निवासी लगभग 22 वर्षीय चालक शाहिद का शव चैनपुर थाना क्षेत्र की नावाडी से मिलने पर सनसनी फैल गई। अपराधियों ने शाहिद की निर्ममता पूर्वक हत्या कर शव को नावाडी गांव के अंधारी ढोड़ा में फेंक दिया था। घटना की सूचना पाकर पलामू पुलिस सदल बल घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर हत्या से आक्रोशित चालक संघ ने शाहपुर कोयल पुल को जाम कर दिया। जाम की खबर मिलते ही सदर अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे जाम स्थल पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को समझाकर सड़क को जाम मुक्त कराने का भरपूर प्रयास किया। चालक संघ की ओर से पीड़ित परिजनों को सरकारी सहायता के तहत नौकरी और सहायता राशि की मांग की जा रही थी। वहीं सीओ श्री पांडे द्वारा पारिवारिक हित लाभ यथाशीघ्र देने सहित हर संभव सहायता का आश्वासन मिलने पर सड़क को जाम से मुक्त कराया गया। बताओ जी, शाहिद, इनका नाम शाहिद हुआ, ये गाड़ी चलाते हैं और ये जो है इनको बुकिंग के लिए बुलाया गया फोन पे विवेकानंद चौक शाहपुर, और गए और जाने के बाद फिर जो है इनका गाड़ी जो है वहाँ पे आपको अनारी ढोड़ा के आगे में नावाडी के पीछे में मिली गाड़ी, और गाड़ी मिली और हम कंडा थाना अपना गाड़ी को ले गए। हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोग सारे लोग गए, उसके बाद थाना में गए, बोले तो कहूँगा कि सुबह खोजा जाएगा। आज हम लोगों को सुबह सूचना मिली कि एक यहाँ पे लाश भीगी हुई है। हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो लाश इनका हम लोग को मिला, और मिलने के बाद खबर किया गया तो वहाँ पे SP महोदय और सारे पूरे प्रशासन पहुँचे खोजी कुत्ता के साथ, अपना जो है अपने प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के बात को सुनते हुए प्रशासन फौरी तौर पर एक्शन में आई, और जहाँ तक वो किए मैं प्रशासन का हम लोग अपने ड्राइवर चालक संघ जो है और इसके तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो है बोलने पे फौरन वो एक्शन में आए हैं, और पूरा मुझे उम्मीद है कि इसका इस केस का उद्भेदन ये कर देंगे, पूरे मुझे उम्मीद है। और इसी के साथ हम लोग अपना ये कर रहे हैं, डेड बॉडी लेकर के आए हैं यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए। आपका नाम? जो भी लोग धरना पे बैठे हुए थे सभी लोग ने जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है उससे संतुष्ट है, और इस पे कितना प्रशासन उतरती है और नहीं मिलने पे फिर से हम लोग, मैं और जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं और लोग, हम लोग इनके साथ हैं ड्राइवर संघ के, और हम लोग इनके धरना में और इनके लाभ अथी मांग को लेकर हमेशा इनका मांग को साथ देंगे और हमेशा खड़े उतरेंगे। क्या मांग है? इनका मांग है कि उनके परिवार में बहुत ही गरीब तत्व के थे जो खुद से गाड़ी चलाते थे, उनके परिवार को अगर जिस तरह का वो शिक्षित हैं उस लेवल में उनको नौकरी दिया जाए, और जो भी सरकारी लाभ होता है जल्द से जल्द इनको मुआयना कराया जाए। बल फैला हुआ है इस सरकार में, खास करके कल ही 2 घटना, एक घटना और रोशन नाम करके युवक को गोली मार दिया गया दिन दहाड़े, और ये 3रा घंटा ड्राइवर संघ का काफ़ी दर्दनीय है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो और इसके जो गुनहगार है सब पकड़ा जाए। ये शहर थाना से बड़ा बाबू आए हुए थे, उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मुजरिम पकड़ा जाएगा, और CO साहब भी आए हुए हैं। हम ड्राइवर संघ के मांग किया है कि जहां पे स्टैंड है वहां पे कैमरा CCTV मेकर लगाया जाए। बड़ा बाबू ने इस पर भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कैमरा लगाया जाएगा, और इसी के साथ हम लोग इस धरना को समाप्त करते हैं, और ये अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर से उग्र होकर के हम लोग ये धरना देंगे। यूथ कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ देती है, गरीबों के साथ खड़े रहेगी कदम से कदम मिला करके।